भाई, कोई क्वेश्चन आसान है या कठिन है, इसका मायने उतना नहीं है जितना कि आप क्वेश्चन का आंसर किस तरीके से देते हैं। आपके बताने के स्टाइल का बड़ा महत्व होता है मित्रों। व्हाट इज द एक्सपेंशन ऑफ SCBA, अर्थात SCBA का फुल फॉर्म बताएं। इसका आंसर है सेल्फ कंटेंट ब्रीदिंग अपैरेटस। मित्रों, ये सब क्वेश्चंस देखने में छोटे हैं पर बहुत खोटे हैं, इसलिए आप सबसे रिक्वेस्ट है कि इनको याद ही कर लीजिए, छोड़िए मत। अगला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, हु कैन इंस्टॉल्ड इन द विसल, टावर, हीटर और टैंक्स, अर्थात विसल, टावर, हीटर या टैंक में कौन प्रवेश कर सकता है। इस क्वेश्चन का आंसर है वैलिड एंड ऑथोराइज कन्फाइंड स्पेस एंट्री होल्डर, अर्थात जिसका कन्फाइंड स्पेस एंट्री का ट्रेनिंग हुआ होता है वही आदमी कन्फाइंड स्पेस में प्रवेश करता है। अगला क्वेश्चन है, व्हेन यू विल यूज सेफ्टी बेल्ट और सेफ्टी हार्नेस, अर्थात आप सुरक्षा बेल्ट या सुरक्षा हार्नेस का उपयोग कब करेंगे। इसका आंसर है वर्किंग एट हाइट, अर्थात ऊंचाई पर काम करते समय सेफ्टी बेल्ट का उपयोग किया जाता है। याद रखें, 1.8 मीटर ऊंचाई या इससे अधिक ऊंचाई पर काम करने पर वर्किंग एट हाइट कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द मेन थिंग रिक्वायर्ड टू स्टार्ट द जॉब, अर्थात काम शुरू करने के लिए मुख्य चीज क्या चाहिए। इसका जवाब है परमिट एंड SMT इंस्ट्रक्शन, अर्थात काम शुरू करने के लिए मुख्य चीज है परमिट और SMT का अनुदेश। मित्रों, SMT का मतलब सुपरवाइजर ऑफ मेंटेनेंस होता है। अगला क्वेश्चन है, इन केस ऑफ एनी एचसी लीक और फायर व्हाट विल बी योर फर्स्ट एक्शन, अर्थात किसी भी एचसी रिसाव या आग की स्थिति में आपका पहली कार्रवाई क्या होगी। इसका जवाब है इन्फर्म टू SMT, यानी हाइड्रोकार्बन लीक या फायर होने पर तुरंत SMT अर्थात मेंटेनेंस सुपरवाइजर को सूचित करना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, व्हाट आर द थिंग्स नीड टू बी चेक्ड बिफोर वर्किंग ऑन स्कैफोल्ड, यानी स्कैफोल्डिंग पर काम शुरू करने के पहले किन चीजों को जांचना जरूरी होता है। इस क्वेश्चन का आंसर है मित्रों, ग्रीन टैग और एक्सपायरी डेट, अर्थात सबसे पहले देखा जाता है कि स्कैफोल्डिंग में ग्रीन टैग लगा है कि नहीं, साथ ही यह भी देखा जाता है कि ग्रीन टैग एक्सपायर्ड तो नहीं है। मित्रों, एक चीज और देखना होता है कि सेफ्टी बेल्ट पहन कर चढ़ना है कि बिना सेफ्टी बेल्ट का, यह सब टैग पर लिखा हुआ रहता है। तो इस प्रकार हम लोगों ने सेफ्टी से रिलेटेड 11 क्वेश्चन के आंसर को समझा, जो इंटरव्यू के लिहाज से बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई। मित्रों, अब हम लोग इक्विपमेंट से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के आंसर की चर्चा करने जा रहे हैं, जो इंटरव्यू में पूछा ही जाता है। तो लेते हैं इक्विपमेंट से रिलेटेड पहला क्वेश्चन, लिस्ट आउट द इक्विपमेंट ऑन विच यू हैव वर्कड, उन उपकरणों के नाम बताएं जिन पर आपने काम किया है। इस क्वेश्चन का आंसर है हीट एक्सचेंजर, व्हिसल्स, डिस्टिलेशन टावर्स, टैंक, हीटर्स या फर्नेस, फिल्टर्स और फिन फैन कूलर्स, कूलिंग टावर्स, रिएक्टर। अगला क्वेश्चन है मित्रों, लिस्ट आउट एनी टू टाइप्स ऑफ पाइप फिटिंग, किन्हीं दो प्रकार की पाइप फिटिंग के नाम बताइए। इसका आंसर है फ्लैंज, एल्बो, निपल, कपलिंग, टी, रिड्यूसर इत्यादि, इसमें से दो आप कोई बता सकते हैं। अगला क्वेश्चन, लिस्ट आउट एनी टू टाइप ऑफ वाल्व्स, किन्हीं दो प्रकार के वाल्वों के नाम बताएं।
वाल्व के नाम आप इस प्रकार बता सकते हैं, गेट वाल्व, ग्लोब वाल्व, बटरफ्लाई वाल्व, प्लग वाल्व, बाल वाल्व, निडल वाल्व, नॉन रिटर्न वाल्व, कंट्रोल वाल्व। इनमें से आप दो पूछता है तो दो ही बताइए, चार पूछता है तो चार बताइए, ज्यादा मत बताइए। मित्रों, फोटो को भी पहचानते चलें, क्योंकि क्लाइंट कभी कभी फोटो दिखाकर इनके नाम पूछ देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मित्रों, इन व्हिच इक्विपमेंट ट्रीज वेयर फिटेड, अर्थात ट्रे किस उपकरण में लगी होती है। इसका आंसर है डिस्टिलेशन टावर में ट्रे लगी होती है। नेक्स्ट, लिस्ट आउट एट लीस्ट टू टाइप ऑफ ट्रे यूज इन टावर्स, अर्थात टावरों में उपयोग की जाने वाली कम से कम दो प्रकार की ट्रे का नाम बताएं। मित्रों, डिस्टिलेशन कॉलम को ही टावर कहा जाता है, इसलिए कंफ्यूजन में न रहें। तो टावर में उपयोग होने वाले दो ट्रे का नाम पूछ रहा है, तो ट्रे के नाम इस प्रकार है, वाल्व ट्रे, बबुल कैप ट्रे, चिमनी ट्रे, सीव ट्रे। अगला क्वेश्चन, इन व्हिच इक्विपमेंट डेमिस्टर पैड इज फिटेड, यानी डेमिस्टर पैड किस उपकरण में लगा होता है। आंसर है डेमिस्टर व्हिसल और टावर में पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, लिस्ट आउट एनी टू टाइप ऑफ फ्लेंजेज ज्वाइंट्स गैस्केट, मतलब किन्हीं दो प्रकार के फ्लेंज ज्वाइंट गैस्केट के नाम बताएं। यहां मैं कुछ गैस्केट के नाम सुझाता हूं, आप इनमें से किन्हीं दो के नाम बता दीजिएगा, जैसे स्पाइरल वुंड गैस्केट, मेटालिक गैस्केट, ग्रेफाइट गैस्केट, टेफ्लॉन गैस्केट, रबर गैस्केट, आरटीए रिंग टाइप ज्वाइंट गैस्केट। अगला क्वेश्चन, विच लिक्विड इज बेइंग यूज्ड फॉर हाइड्रो टेस्ट, यानी कि हाइड्रो टेस्ट के लिए किस द्रव का प्रयोग किया जाता है। आंसर है हाइड्रो टेस्ट के लिए वाटर का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन, विच गैस इज बीइंग यूज्ड फॉर न्यूमेटिक टेस्ट, न्यूमेटिक टेस्ट के लिए किस गैस का उपयोग किया जाता है। याद रखें, न्यूमेटिक टेस्ट के लिए नाइट्रोजन गैस का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द एक्सपेंशन ऑफ एनआरवी, यानी एनआरवी का विस्तार क्या है, एक्सपेंशन क्या है। एनआरवी का फुल फॉर्म होता है मित्रों, नॉन रिटर्न वाल्व। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द एक्सपेंशन ऑफ पीएसवी एंड पीआरवी, पीएसवी और पीआरवी का एक्सपेंशन बताइए, विस्तार बताइए। पीएसवी का फुल फॉर्म होता है प्रेशर सेफ्टी वाल्व, और पीआरवी का फुल फॉर्म होता है प्रेशर रिलीफ वाल्व। तो इस प्रकार हम लोगों ने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के आंसर के बारे में जानकारी प्राप्त की है मित्रों, जो क्लाइंट इंटरव्यू में पूछे ही जाते हैं। मित्रों, और अधिक जानकारी के लिए आप इस चैनल के प्लेलिस्ट का दौरा बेझिझक कर सकते हैं। प्लेलिस्ट में आपको ढेरों सारे वीडियोज मिल जाएगी, जो आपको निश्चित रूप से क्लाइंट इंटरव्यू में मदद करेगी। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों, बेस्ट ऑफ लक।